हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, हम आपके लिए ईद स्पेशल एक स्नैक लेकर आए हैं, चिकन चीज़ पकौड़ा। जी हाँ व्यूअर्स, ईद पर जब आपके घर में गेस्ट आए तो आप शाम के टाइम टी टाइम पर आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आप इसे पहले से प्रिपेयर करके इसे फ्रीज़ कर सकती हैं और जब गेस्ट आएँ तो आप इसे फ़ौरन झटपट फ्राई कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, बहुत ही रिच रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन चीज़ पकौड़े की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हमें जो चिकन बोनलेस लेना है और इसमें हमने आधी प्याज को इसमें डाल देना है अपने चॉपर में। दो तीन ग्रीन चिलीज ले ली है और हाफ हमने इसमें कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डाली। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए वरना नहीं। और एक ब्रेड का स्लाइस हम तोड़ के इसमें डाल देंगे और अपना चॉपर चला देंगे। और ये देखिए हमारा इसका मिक्सचर जो है, जो भी हमारा ये कीमा है, बनकर तैयार है। अब बाकी इंग्रेडिएंट भी आपको दिखा देते हैं मैंने इसमें क्या क्या लिया है। तो ये हमने 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट लिया है और मोज़रेला चीज़ लिया है हमने। इधर मैदा लिया है कोटिंग के लिए और ब्रेड क्रम्स लिए हैं और एक अंडा लिया है व्यूअर्स हमने। और हम आपको बताएंगे कि आपको किस स्टेज पर फ्रीज़ करना है। ये देखिए इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, सॉल्ट, आपके पास अगर विनेगर हो तो आप वो भी डाल दीजिए। चिकन को हमने हल्का सा एक बॉईल कर लिया था ताकि अच्छा सा टेंडर हो जाए। तो ये बोनलेस अगर आपके पास ना हो तो आपका जो चिकन होता है आप उसके अंदर से भी काट के बोनलेस पीस निकाल सकते हैं और फिर इसको इस तरह चॉपर में चला सकते हैं। अब देखिए एक अंडे को हमने तोड़कर इस तरह फेंट लेना है और थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे। मोज़रेला चीज़ है। अब हम अपने बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन के कीमे की, इस तरीके से जैसे हम कबाब बनाते हैं कोफ्ते, इसके हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे इसमें और इस तरह बंद कर देंगे इसको गोल रोल करते हुए लड्डू की शेप में, कोफ्ते जिस तरीके से बनाते हैं। हल्का सा घी लगाया हमने इस पर ऑयल हाथों पर ताकि चिपके नहीं। इस तरह मैदे में इसको कोट कर लेंगे। मैदे में हमने इसकी एक फर्स्ट कोटिंग कर दी है व्यूअर्स, इस तरह प्लेट में रख देंगे। अब जब हमने इसकी कोटिंग कर रहा है मैदे में तो अभी हम अंडे और ब्रेड क्रम्स में नहीं डालेंगे, अंडा ख़राब हो सकता है, उसमें बड़ी बुरी स्मेल आती है। तो बस इसे मैदे में कोट करके एक जिप लॉक बैग में आप उसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए इस स्टेज पर देखिए। और फिर जब भी आपके घर में गेस्ट आए आप उन्हें फटाफट अंडे में डिप कीजिए और इस तरह ब्रेड क्रम्स में कोट करके आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हम तो इफ्तार में बना रहे हैं, आप ईद पर भी बनाइए और इस तरह फ्रीज़ करके रख लीजिए। काफ़ी स्नैक आप शामी कबाब हैं, चिकन शामी कबाब, सीख कबाब, इस तरह फ्रीज़ करके रख लें तो आपका काम आसान हो जाता है। जो ब्रेड काटे थे उसकी जो साइज कट की थी उससे हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं, उसकी रेसिपी हम आगे आपको दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हमने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। वैसे देखिए इस तरह के हम इसको कोट कर लेंगे। यहाँ पे एक बात का जिक्र करते चलें कि हमारा नया चैनल देख भाई देख भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, आप और भी वीडियोज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं उस पर। और बिल्कुल गर्म ऑयल में मत डालिएगा, एकदम डार्क हो जाते हैं ये रेड कलर के, तो इसलिए बिल्कुल आपको लो टू मीडियम पर फ्राई करना है। बस एक ही बार में ही ये गोल्डन कलर आ जाएगा व्यूअर्स। देखिए हमने एक बहुत तेज़ एक आग में डाल दिया था तो इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है, तो आप ये गलती ना कीजिएगा। और जब ये दोनों साइड से गोल्डन कलर आ जाए, लाइट लाइट गोल्डन ब्राउन, इस तरह इसकी साइड चेंज कर दीजिए और बस फिर से निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छे हमारे फ्राई हो गए हैं, हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। अब हम आपको ब्रेड क्रम्स बनाना सिखा देते हैं। देखिए व्यूअर्स, जब हमने मलाई रोल बनाया था तो हमने ब्रेड की साइड्स कट कर दी थी और ये देखिए हमने इसे बाहर हवा में रख दिया तो थोड़े कड़क हो गए यानी थोड़े सूख से गए, तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे हमारे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। देखिए हमने एक ही ब्रेड से कितना दो काम कर लिए हैं। देखिए इसको ग्राइंडर जार में हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे ब्रेड क्रम्स फटाफट बनकर तैयार है। ना हमें इसे रोस्ट करने की ज़रूरत है, ना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए कभी भी आप ब्रेड के साइड्स काटें या कुछ आपकी ब्रेड रखी हुई बासी हो जाए या कभी कभी ब्रेड रखी होती यूज़ नहीं होती तो आप उसे फेंकीेगा मत। इस तरह ब्रेड क्रम्स बना के रख लीजिएगा, आपकी रेसिपी में काफ़ी काम आएंगे। और इसको भी फ्रीज कर सकते हैं आप कंटेनर में रख कर, एयरटाइट कंटेनर में रख के आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे चीज़ बॉल बनकर तैयार है। बस ये देखिए इसे टोमेटो सॉस के साथ आप इसे सर्व कीजिए। और हम इसे आप खोल कर दिखा देते हैं किस तरह हमारा चीज़ जो है वो मेल्ट हुआ है, बहुत ही यम्मी बने हैं। ये देखिए बहुत गर्म है इस वक्त, ये देखिए। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, तो आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, पहले से बना कर रख लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का और देख भाई देख को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।